फाइनली जब आप रिटायर होने वाले हैं तो ग्रुप वन गजेटेड ऑफिसर बन के रिटायर होंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉगर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड। सो फ्रेंड्स, इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट LDC जॉब प्रोफाइल इन ISQ ऑफ MOD नेवी डिपार्टमेंट। विल डिस्कस अबाउट प्रमोशन एस्पेक्ट, जॉब प्रोफाइल, वर्कलोड, ट्रांसफर एस्पेक्ट, सैलरी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और इससे ज़्यादा इंग्लिश मुझे आती भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, पोस्ट प्रेफरेंस में L14 या फिर L17 पे जो पोस्ट है ISQ ऑफ MOD नेवी विंग या फिर डायरेक्टोरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट सेक्शन में, अगर फ्रेंड्स आपको SSC CHSL में ये डिपार्टमेंट मिला है तो यहाँ पे आपकी जॉब प्रोफाइल कैसे होने वाली है, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, जितनी मुझे मेहनत कर रही है ना, इतना मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक्चुअली सब्सक्राइबर्स बहुत कम बढ़ रहे हैं और इस चक्कर में कभी कभी मुझे भी डिमोटिवेशन हो जाता है। और लास्ट 3 दिन में मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि सब्सक्राइबर उस रेशियो में नहीं बढ़ रहे। डेली के 10-5 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। बट फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि फिर मैसेज आता है किसी सब्सक्राइबर का और वो पूछते हैं कि भैया ठीक हो ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी वीडियो नहीं आई है 2-3 दिनों से। तो लगता है कि फ्रेंड्स, चलो भाई अपने बारे में भी कोई सोचता है, ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। बट फ्रेंड्स, आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशन एज सून एज आई अपलोड ए वीडियो। आज की वीडियो में इंग्लिश बहुत हो रही है। एक्चुअली मैं वर्क करना चाहता हूँ इंग्लिश के ऊपर, मैं चाहता हूँ इंग्लिश में अच्छे से बोल पाऊँ। तो देखिए धीरे धीरे अगर इम्प्रूव होती है कि नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक पे आते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है SSC CHSL में और आपको नॉमिनेट हो जाता है डिपार्टमेंट ISQ ऑफ MOD नेवी विंग या फिर डायरेक्टोरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट सेक्शन, यानी कि फ्रेंड्स DCMPR, तो फ्रेंड्स सबसे पहले वो आपके घर में भेजेंगे एक अटेस्टेशन फॉर्म और उसके साथ पे एक मेडिकल फॉर्म भी अटैच होगा। अटेस्टेशन फॉर्म में फ्रेंड्स आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, आपकी सारी डिटेल्स उसमें पूछी जाती है। 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने होते हैं, उसके बाद में नियर बाई थाना वगैरह सब कुछ डिटेल्स फिल आउट करके आपको स्पीड पोस्ट से वापस भेज देना होता है ISQ ऑफ MOD हेडक्वार्टर को। उसके बाद में फ्रेंड्स जो मेडिकल है उसको लेके आपको जाना होता है CMO के पास। अपना डिस्ट्रिक्ट का जो CMO होता है वहां पे जाके आपको मेडिकल करवाना होता है, वो सारी चीजें फिल करके देता है और वो मेडिकल भी फ्रेंड्स बाई पोस्ट आपको भेजना होता है दिए गए एड्रेस पे। तो ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद में, और डिपार्टमेंट अगर आपका फिर से DV करता है तो वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद में आपको भेजा जाता है ऑफर लेटर, या तो मेल के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू, जैसा भी उनको कन्वीनियंट लगता है। और ये चीजें बदलती रहती हैं, हो सकता है पिछली बार बाई पोस्ट आया हो तो अब की बार वो मेल करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपको टाइम दिया गया होता है, जो आपको ड्यूटी स्टेशन दिया गया है, वहां पे जाकर आपको करना होता है रिपोर्टिंग और आपकी जॉब स्टार्ट होती है फ्रेंड्स यहाँ से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, कि ये जो डिपार्टमेंट है किस तरीके का काम करता है और बेसिकली इसका काम क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ISQ ऑफ MOD नेवी विंग की, तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आर्मी का हेडक्वार्टर है, वैसे ही फ्रेंड्स सेना भवन में न्यू दिल्ली में इसकी लोकेशन है और यहाँ पे जो सारी की सारी नेवी कमांड है उनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसका जो काम रहता है फ्रेंड्स, बाकी की जो नेवल कमांड्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनसे रिपोर्ट्स वगैरह लेना, मतलब जो हेडक्वार्टर का काम क्या होता है, पॉलिसीज वगैरह बनाना और बाकी सारी चीजें देखना, एक हेडक्वार्टर का काम हो। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, ये भी हमारी एक डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर आपको ये डिपार्टमेंट मिलता है, यानी कि ISQ MOD डिपार्टमेंट का आप हिस्सा होते हैं, तो आप डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। और डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होना ये फ्रेंड्स अपने आप में एक प्रिविलेज की तरह है, अपने आप में एक प्राउड की तरह होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डायरेक्टोरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट सेक्शन की, तो फ्रेंड्स ये ISQ MOD का एक विंग है जो कि मार्च 2014 में बनाया गया था। और फ्रेंड्स, इस विंग का काम मेनली ये है, जो भी नेवल कमांड्स है, मतलब पूरा जो नेवी सिस्टम है उसमें जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन गजेटेड, उनकी वैकेंसी कितनी जनरेट हो रही है, कैसे उन्हें रिक्रूट करना है, किस एजेंसी से रिक्रूट करवाना है, लाइक SSC UPSC, तो फ्रेंड्स इन सब चीजों के बारे में पॉलिसीज और इन सब चीजों से रिलेटेड काम करता है DCMPR, यानी डायरेक्टोरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट विंग। ये तो हो गया फ्रेंड्स डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन। अब आप जब डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल कैसे रहने वाली है, क्या आपको वहां पे काम करना पड़ेगा, डेस्क जॉब होगी या फिर फील्ड जॉब भी कभी हो सकता है, आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि अगर आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी। जैसे कि फ्रेंड्स मैं बता चुका हूँ आईएसक्यू ऑफ एमओडी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है सेना भवन में, तो आपकी प्राइम लोकेशन होने के चांसेस दिल्ली में है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है दिल्ली की, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपको दिल्ली में मिल जाए। बट फ्रेंड्स इसके अलावा चार नेवल कमांड और भी है, वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, साउथर्न ईस्टर्न कमांड कोची, अंडमान एंड निकोबार नेवल कमांड जो कि पोर्ट प्लेयर में है। ये चार नेवल कमांड है वो भी काम करती है आईएसक्यू ऑफ एमओडी नेवी विंग के अंडर में, तो आपकी पोस्टिंग यहाँ भी हो सकती है। फ्रेंड्स अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो पांच सिटी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पहला है न्यू दिल्ली, उसके बाद है मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जॉब प्रोफाइल की। तो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, वैसे तो फ्रेंड्स किसी भी पोस्ट की जो जॉब प्रोफाइल है डिपेंड करता है कि आपको कौन से सेक्शन में और कौन सा टास्क अलॉट किया गया है। बट जनरली अगर मैं बताना चाहूँ तो फ्रेंड्स लाइक हर ऑफिस में फ्रेंड्स एडमिन सेक्शन होता है, तो अगर आपको वहां पे पोस्टिंग मिलती है तो बेसिकली जो एडमिन सेक्शन का काम होता है लीव अटेंडेंस रिलेटेड, कुछ बिल्स होते हैं उनसे रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स अगर आपको एडमिन सेक्शन मिलता है, और एडमिन सेक्शन में भी कई पार्ट होते हैं लाइक AN2, AN3, AN4, ऐसे एडमिन सेक्शन के कुछ पार्ट्स होते हैं, तो अलग अलग एडमिन सेक्शन को अलग अलग काम अलॉट होते हैं, तो आपको उसी टास्क से रिलेटेड काम करना होगा। बट आपका जो मेन काम रहेगा फाइलिंग से रिलेटेड रहेगा। अगर आप आईएचक्यू में पोस्टेड होते हैं तो जो नीचे की ऑफिस है यानी आपके जो कमांड्स हैं वहां से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जनरली हर मंथ में आती हैं, उन रिपोर्ट्स को सॉर्ट करना, उन रिपोर्ट्स का जवाब देना, अगर किसी में कुछ कमी है तो वो सब चीज़ें करना, या फिर आप पे सेक्शन में हो तो वहाँ आपको सैलरी वगैरह डील करना, कुछ मेडिकल बिल बनाना, जीपीएफ बिल बनाना, ये सारे काम आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं वर्कलोड की कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वर्कलोड कितना रहने वाला है। तो फ्रेंड्स वर्कलोड की अगर बात करें तो पे सेक्शन के अलावा सारे जो सेक्शन है सारे ऑफिसर में वर्कलोड थोड़ा सा कम रहता है। पे सेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है फ्रेंड्स, क्योंकि महीने के आखिरी डेज है, वहाँ पे आपको कैसे भी करके 30 को पे देनी देनी होती है, तो पे बिल्स वगैरह बनाने होते हैं। पे बिल का जो काम होता है फ्रेंड्स टाइम बाउंड का होता है, इसलिए फ्रेंड्स अगर आपकी पोस्टिंग पे सेक्शन में होती है तो वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। बाकी सारे सेक्शन में वर्कलोड बिल्कुल मॉडरेट लेवल का होता है, वहाँ पे आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा बहुत टाइम यानी 2-3 घंटे दिन में आराम से निकाल सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग की फ्रेंड्स मैं बात करूँ तो 9:30 से 6 आपका ऑफिस टाइमिंग रहेगा, और जो इस डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसेज हैं वो आपको 5 डेज के मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन एस्पेक्ट के बारे में कि अगर आप ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपके प्रमोशनल एस्पेक्ट कैसे रहेंगे, आपकी कैरियर ग्रोथ क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स इस डिपार्टमेंट को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग ग्रेड पे रहेगी 1900 और आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी 19,900। और फ्रेंड्स जब आपके इस कैडर में रेगुलर सर्विस हो जाएगी 8 साल की तो आप बन जाते हैं UDC यहाँ पे यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क, जिसे कि 7th Pay Commission में SAA भी बोला जाता है। फ्रेंड्स बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि आपका पहला प्रमोशन 8 साल में ही हो, अगर डिपार्टमेंट में वैकेंसी ज्यादा क्रिएट हो रही है तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आपको पहले भी प्रमोट कर सकते हैं, जो कि एक फॉर्मेलिटी टाइप की होती है। और अगर डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं हो रही है तो 8 साल आपकी एलिजिबिलिटी है, इसके बाद भी आपको टाइम लग सकता है। बेसिकली फ्रेंड्स होता ये है हर साल कितनी वैकेंसी डिपार्टमेंट में खाली हो रही है, कितनी वैकेंट हो रही है, मतलब उसका एक कैलेंडर होता है और देखा जाता है कितने कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर वो पहले फिल हो जाती हैं तो आपको वेटिंग में रखा जाएगा। अगर वैकेंसी वैकेंट हैं और ऐसे कैंडिडेट उनको कम मिलते हैं जिनकी 8 साल कंप्लीट नहीं हुई है, तो वे डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं और आपको प्रमोट कर देते हैं जल्दी से। UDC के बाद में फ्रेंड्स जब आपकी 4 साल की रनिंग सर्विस हो जाती है ग्रेड पे 2400 में, तो आपकी ग्रेड रहेगी UDC, बट आपकी जो पे ग्रेड रहेगी ऑटोमेटिकली बढ़ के हो जाएगी फ्रेंड्स ग्रेड पे 4200, यानी कि अब आपके ग्रेड पे हो जाती है 4200। एंड UDC के कैडर में फ्रेंड्स 7 से 8 साल के बाद में आपका अगला प्रमोशन होता है ASO का यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। ASO की जो ग्रेड पे होती है वो होती है 4600। ASO के बाद फ्रेंड्स अगला प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन ऑफिसर, जो की एक गजेटेड पोस्ट होती है, और सेक्शन ऑफिसर के बाद में आपको अगला प्रमोशन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स सीनियर सेक्शन ऑफिसर। आईएसक्यू ऑफ एमओडी नेवी विंग में आपका मैक्सिमम प्रमोशन सीनियर सेक्शन ऑफिसर तक ही होगा, यहाँ से आप बहुत रेयर केस में जा पाओगे अगर आपने अर्ली डेज में डिपार्टमेंटल एग्जाम दे दिया और प्रमोशन एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे रहे तो ही आप इसे ऊपर जा पाएंगे।
जनरली फ्रेंड्स 99% जो कैंडिडेट हैं वो सीनियर सेक्शन ऑफिसर से रिटायर्ड हो जाते हैं। सीनियर सेक्शन ऑफिसर एक ग्रेड पे 5400 की जॉब है और ये ग्रुप वन गजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो फाइनली जब आप रिटायर होने वाले हैं तो ग्रुप वन गजेटेड ऑफिसर बन के रिटायर होंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कुछ फैसिलिटीज के बारे में जो डिपार्टमेंट आपको देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, भले ही आप सिविलियन हो, तो आपको CST की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि कैंटीन कार्ड आपको इस डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक प्रिविलेज है, काफ़ी छूट मिलती है बहुत सारी चीज़ों में, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हैं। आपको स्टार्टिंग में जो लिमिट मिलती है फ्रेंड्स, वो मिलती है 5500 रुपये पर मंथ, यानी कि 5500 पर मंथ की आपको खर्चा करने की परमिट मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल आइटम्स की लिमिट अलग होती है, वो 1-1.5 लाख के आसपास की होती है। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स, आप CGHS मेडिकल फैसिलिटी के अंडर में कवर्ड होते हैं, जो कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। आपको कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वही फैसिलिटी है जो बाकी सारे सिविलियन एम्प्लॉय भी ले रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में सैलरी के बारे में, कि अगर आप ज्वाइन करते हैं इस डिपार्टमेंट को तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक्स सिटी में इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं मई 2020 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज TA 17% है, तो इस हिसाब से अगर आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग ग्रोथ सैलरी रहेगी 33,000 के आसपास, और जो आपकी इन हैंड सैलरी मिलेगी NPS वगैरह और बाकी सारे डिडक्शन को काटने के बाद में, वो मिलेगी फ्रेंड्स 29,000 के आसपास। स्टार्टिंग में जाते ही आपको 29,000 मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और फ्रेंड्स अगर आपके किसी भी वीडियो के बारे में कुछ डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।